The thief outsmarted by a boy. एक बार एक चोर था। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। उसे अपने आप पर बहुत गर्व था कि मैं बहुत ही होशियार हूँ। उसे यकीन था कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। मेरे जैसा और कोई भी इतना होशियार नहीं है। उसे लगता था कि कोई उसे उल्लू नहीं बना सकता, सिर्फ वो ही दूसरों को उल्लू बना सकता है और चकमा दे सकता है। एक दिन उस चोर ने एक कुएं के पास एक बच्चे को रोता हुआ देखा। तब उस चोर ने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? तब बच्चे ने उसे अपने हाथ में से एक रोप दिखाते हुए कहा कि मेरी बाल्टी जो चांदी की थी वो इस कुएं में गिर गई है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। फिर चोर ने सोचा कि अच्छा मौका है, मैं अब इस चांदी की बाल्टी को चुरा सकता हूँ। और ऐसा सोचते हुए उसने उस बच्चे से कहा कि बच्चे रो मत, मैं तुम्हारी बाल्टी ढूंढ के दूंगा। तब उसने अपने कपड़े उतारे और नीचे रख दिए और कुएं में छलांग लगाई और वो चांदी की बाल्टी ढूंढने लगा, लेकिन उसे बाल्टी नहीं मिल रही थी। जब वो बाहर आया तब उसने देखा कि बच्चा वहां पे नहीं था और उसके कपड़े भी नहीं थे। तब उसे समझ आया और उसे सीख मिली कि मैं ही दुनिया में अकेला होशियार नहीं हूँ, ये बच्चा तो मुझसे भी होशियार निकला, इसीलिए खुद को ज्यादा और स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। उस छोटे से बच्चे ने उसको सीख दिलाई।